रामगोपाल वर्मा की शबरी कहानी है एक सिंपल वुमन की एक पुअर वुमन की जो एक आटे की चक्की में काम करती है और अपने पेरेंट्स और छोटे भाई को सपोर्ट करती है छोटे भाई को एक दिन इनसेंट लड़का है लेकिन एक दिन पुलिस पकड़ के लेके जाती है कुछ गलत लड़कों के साथ एंड पुलिस कस्टडी में छोटे भाई का खून हो जाता है हत्या हो जाती है नेचुरली रिवेंज की भावना लेकर शबरी निकल पड़ती है एक लड़का है उसी मोहल्ले में रहने वाला जो शबरी को बहुत हेल्प करता है तो मुराद रियलाइज करता है कि वो कुछ विशेष नहीं कर सकता है शबरी की मदद के लिए और डिप्रेशन में आकर मुराद जो कि एक मटका डेन चलाता है मटका किंग के भाई का खून कर देता है एंड वहां से निकल पड़ते हैं मुराद उसका दोस्त विलास और शबरी लेकिन जो मटका किंग है राजधर भाव दैट इज प्रदीप रावत वो मुराद और विलास को पकड़ लेते हैं और अब शबरी की केवल एक इच्छा है राजधर भाऊ से बदला और इस बदले की भावना में वो क्या क्या करती है दैट्स वॉट द क्लाइमैक्स इज ऑल अबाउट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बात करते हैं फिल्म की कहानी फिल्म के स्क्रीन प्ले और फिल्म के डायलॉग्स के बारे में ललित मराठे ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है यानी कि स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स ऑल आर पेंड बाय ललित मराठे एंड दिस इज द यूजलेशन ऑफ द पुअर बाय द रिच एंड द इंफ्लुएंशियल इस फिल्म में नया कुछ भी नहीं है बस नई चीज है तो एक और वो है कि इसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट है अ मेल प्रोटैगनिस्ट इन सब्जेक्ट ऑफ दिस काइंड इसके अलावा स्टोरी में कोई नॉवल्टी नहीं है और मराठी के स्क्रीन प्ले के बारे में यह कहना पड़ेगा दैट इट्स रूटीन एज मोर ऑफ प्लॉटिंग एंड प्लानिंग स्वेयरिंग रिवेंज एंड एक्चुअल कॉन्फ्रेंटेशन सीन्स दैन एनीथिंग एल्स यानी ये सब चीजें चलती है बट अदरवाइज ड्रामा में और विशेष और सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है ऑल इस रिवेंज ड्रामा के पटकथा में कोई गलत बात नहीं है बट इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक ये है कि इट इज टू रूटीन टू मेक मच ऑफ एन इंपैक्ट ललित मराठे के डायलॉग्स आर क्वाइट नाइस एंड दे गो विद मूड ऑफ द फिल्म तो ये तो हुई बात स्क्रिप्ट की आइए अब एक नजर डालते हैं फिल्म के परफॉर्मेंसेज पर आर्टिस्ट के परफॉर्मेंसेस पर ईशा कोपिकर डिलीवर्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द टाइटल रोल वो शबरी का रोल अदा कर रही है एंड शी प्लेज अवेंजिंग एंजल वेरी एफिशियंटली राज अर्जुन इज गुड हिज अ न्यू फाइन न्यू एक्टर राज अर्जुन इज गुड मनीष वाधवा ऑल्सो डज वेल प्रदीप रावत जिसे आपने गजिनी में देखा था ही वॉज द मेन विलेन इन गजनी उनका भी काम इफेक्टिव है जाकिर हुसैन इज ब्रिलियंट एज इंस्पेक्टर काजी एक्चुअली उन्हें स्क्रीन पर देखने को इतना मजा आता है दैट इज डिलाइट टू वॉच हिम एवरी टाइम ही कम्स संजय कुलकर्णी एज इंस्पेक्टर कदम एंड दत्ता सोनम ने एज इंस्पेक्टर खरे लेंड गुड सपोर्ट नीरज कुमार किशोर नंदलस्कर शबरी के रोल अदा कर रहे हैं विमल मात्रे एज शबरीज मदर विजय खाड़ेजकर बंदिया दैट इज शबरी ब्रदर स्वप्निल दिनकर एज बंदियाज फ्रेंड ऑल ऑफ दीज प्रोवाइड एबल सपोर्ट परवेज फजल खान रागेश अस्थाना श्रीधर पाटिल सुधीर मायकर इशाक जया कोलेकर संतोष शेट्टी धानू विल्सन गणेश शेट्टी बाबला अशोक मात्रे शरद गुरव राज सोलोमन प्रमोदनी सुनील जाधव एंड ऑल दी अदर्स लैंड सपोर्ट दैट्स जस्ट अबाउट ओके तो ऑल इन ऑल परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं एंड ठीक ठाक है और एक्टर्स के काम के बाद में बात करते हैं डायरेक्शन एंड अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स की ललित मराठी का डायरेक्शन इज ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड उन्होंने एक फास्ट पेस्ड फिल्म बनाई है लेकिन जो रूटीन ड्रामा है वो तो स्पॉइलर है ही राजू सिंह का बैकग्राउंड स्कोर कुड हैव बीन मच बेटर अमित रॉय कैमरा वर्क इज वेरी गुड तो ऑन द होल शबरी बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस कैसा करेगी शबरी इज टू रूटीन टू मेक इट्स मार्क बहुत बहुत रूटीन और कॉमन प्लेस कहानी है और इसलिए वो अपनी छाप बॉक्स ऑफिस पर नहीं छोड़ पाएगी ऑल्सो गिविन दैट दर इज नो मेल लीड इन द फिल्म आप तो जानते ही है कि इंडिया में हीरो को देखकर लोग सिनेमा घर में जाते हैं और इसमें हीरो नाम का कोई है ही नहीं इट्स ईशा कोपीकर ऑल द वे दे फॉर दिस फिल्म विल गो लार्जली अनोटिस्ड लैक ऑफ प्रमोशन विल ओनली एड टू इट्स स्टेल ऑफ फोर्स एक और बात बता दूं ये आज केवल मुंबई सर्किट में रिलीज हुई है आज के जमाने में जब फिल्में ऑल वर्ल्ड में साइमल्टेनियसली रिलीज होती है रिलायंस एंटरटेनमेंट हैज टेकन अ बिग रिस्क इन रिलीजिंग दिस फिल्म इन जस्ट वन सर्किट एंड दैट्स मुंबई सर्किट दिस फिल्म कैन नॉट बक्सपेक्टेड टू डू एनीथिंग एट द बॉक्स ऑफिस